समाज सेवी जन किसी ना किसी रूप में लॉकडाउन में दे रहे अपना योगदान। देश इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। शासन प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व स्वच्छता कर्मी सभी मैदान में हैं और जन रक्षा के लिए अपना दायित्व निभा रहे हैं। समाज सेवी जन भी इस समय शासन प्रशासन का किसी न किसी तरह सहयोग कर रहे हैं। कोच तहसील के ग्राम बिरगुवा बुजुर्ग में समाज सेवी कुशल मंच संचालक चिकित्सक डॉक्टर विनोद पाठक व समाज सेवी बबलू श्रीवास्तव भी इस समय शासन प्रशासन के सहयोग में लगे हुए हैं। लोगों को फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक व लॉकडाउन के पालन के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो जन सेवा में लगे लोगों का क्रमवार सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। संजय अग्रवाल, जिला प्रभारी, हिंदुस्तान न्यूज चैनल। कोविड-19 इस समय चल रहा है, सारे देश दुनिया में चल रहा है। विशेषकर भारत में जो सतर्कता बढ़ती जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस जंग से जीता जाए, और उनके आदेश पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता कर्मी, मीडिया कर्मी और अन्य समाज सेवी भी सहयोग, अच्छा खासा सहयोग दे रहे हैं। जहाँ भी ऐसी जानकारी मिलती है तो समाज सेवी भी इसमें आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप इस जंग से लड़ने के लिए प्रशासनिक सहयोग कर रहे हैं। तो आज हम जनपद जालौन के थाना पोंच के ग्राम बिरगुआ बुजुर्ग में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जानकारी हुई थी कुछ दिनों पूर्व, मैंने देखा था कि यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं जो एक बड़ा ही प्रेरणादायी काम हुआ था, स्वच्छता कर्मी जो आज की ये कहें कि इस जंग की रीढ़ हैं उनको सम्मानित किया गया था। तो जब मैंने पता किया तो बिरगुआ बुजुर्ग में जो एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, आदर्श चिकित्सक भी हैं और रंगमंची कलाकार भी हैं, और अपने क्षेत्र में अपना एक विशेष वजूद रखते हैं ऐसे समाज से भी, डॉक्टर विनोद कुमार पाठक के पास हमारा आज आगमन हुआ और आप हमारे पास भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे मीडिया टीम में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि आपने जो एक आदर्श प्रेरणा लोगों को दी, तो आपको कैसे लगा कि स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करना चाहिए, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? देखिए, आप लोग आए, दृश्य आभार आपका, और समाज में एक आप लोगों की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और आपने प्रश्न किया है कि आपने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, तो ऐसा लगता है कि ये समाज की प्रथम सीढ़ी जी, और प्रथम सीढ़ी में ये है उनके उत्साह का वर्धन भी होना चाहिए, और चूंकि ये समाज में महत्वपूर्ण भूमिका भी अपना रही है। हम और आप स्वच्छता अभियान में माननीय मोदी जी, योगी जी, आप लोग भी कह रहे हैं स्वच्छता को रखिए, और एक नगर की विशेष सफाई का व्यवस्था करते हैं, तो हमें लगता है ये फर्स्ट सीढ़ी है और इनको एक सम्मान करना भी आवश्यक है। उस दौर मैंने इनको सम्मानित भी किया और हमारे सफाई कर्मी हमारे अच्छा काम योगदान दे रहे हैं और अच्छी तरीके से सफाई व्यवस्था। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में लॉकडाउन फर्स्ट भी रहा, लॉकडाउन टू भी रहा है, पूरी तरीका से लोग पालन कर रहे हैं या इनको प्रेशर पूर्वक जैसे प्रशासन आता है, कहते हैं कि भय बिन हो ना प्रीत, बिना न मानत जला जला गए तीन दिन भी, क्या ऐसी स्थिति बन रही है या स्वेच्छा से लोग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसा आपने कहा है कि बिना ना माना जलज गए तीन दिन भी, ऐसी नहीं। हमारे यहाँ माननीय तहसीलदार महोदय कौन से श्री राजेश विश्वकर्मा जी जी बराबर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, हमारे नगर का दो चार बार भ्रमण भी किया उन्होंने, तो पूर्ण शालीनता के साथ लोगों को समझाते हैं, छोटे छोटे वक्तव्य में खड़े होकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करके लोगों को नियम का भी बताते हैं किस तरह नियम करना है, अपने घर में आप सुरक्षित रहिए। तो माननीय तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन की भी बड़ी अहम भूमिका है लोगों को समझाने में और उनके उत्तरदायित्व को समझाने में। ऐसा कुछ सुनने में आया कि आपके यहाँ कुछ दो या तीन दुकानों को सील भी किया गया है, कुछ आपकी जानकारी में वो किन किन कारणों से ऐसा हुआ? अब चूंकि ऐसा कुछ कारण है कि जितने ये व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि दुकानदार भी हैं, वो समाज की सेवा कर रही हैं। अब किस परिस्थितियाँ बस क्या स्थितियाँ हुई हैं, तो ये सुना भी गया है कि कल तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने वहाँ निगरानी भी की है और लोगों को समझाया भी है कि उचित दर पे आप अपनी चीज़ों को दें, समाज की सेवा करें। ये भी बहुत बड़ी सेवा है समाज की कि आप उचित दर पे लोगों को सामान की व्यवस्थाएं करा रहे हैं, तो इसको समझा करके धर्म कर्म के बारे में समझाते हैं कि प्रथम कर्म है समाज की सेवा करना, कर्म और धर्म से जुड़ा।
डॉक्टर साहब, वास्तव में आपने एक अहम पहल की है स्वच्छता कर्मियों को सम्मान देके, बहुत बड़ी आपकी एक प्रेरणा देने लायक आपका कार्य था। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके आपका, चूँकि आपका क्षेत्र भी विशाल है, एक चूँकि आप चिकित्सक हैं, स्नातक भी, समाज सेवी हैं, रंगमंच कलाकार भी रहे हैं और अपने समाज में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो आप क्या भूमिका निभाएंगे कि लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, घर में रहते हुए भी आपको करना है, ऐसा कुछ विचार आया आपका कि हम इन लोगों को रोक सकते हैं? जी जी जी, मैं बिल्कुल यही निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि लॉकडाउन का पालन घर में करें। और हमारी भारतीय संस्कृति में कई शास्त्रों का वर्णन है, लॉकडाउन का एक ऐसा समय है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन करके लोगों को आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, धर्म के रूप में भी समझा सकते हैं, आध्यात्म तरीके समझा सकते हैं। और ये हमारा जो समय है इसमें आध्यात्मिक चिंतन करने का है, तो इसमें हम सभी आपके इस वक्त जो सहयोग कर रहे हैं, आप लोग जो योद्धा है, कोरोना योद्धा, आप लोगों को जो उपाधि दी गई है, तो हम तो यही कहेंगे कि इस वक्त आप लोगों की जो भूमिका है वो तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में, और आप दिन रात इसमें परिश्रम कर रहे हैं जबकि लोग अपने परिवार का बचाव कर रहे हैं, उस वक्त आप समाज की सेवा कर रहे हैं। और जैसे आज सीमा पर जवान लगे हुए हैं हमारे, हम रात में सोते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, इसी तरह आप लोग भी जो कलम के इस वक्त धनी हैं, तो आप भी उसी श्रेणी में हैं कि आप भी इस वक्त जवान सुरक्षा व्यवस्था में हैं, कि जो जन जन की सूचना हम लोगों को किसी न किसी माध्यम तक समाज तक भेजने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की है। तो हम तो सरकार से निवेदन भी करेंगे कि इसमें जैसे उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का भी आश्वासन दिया है, सभी को दिया है, जबकि आप लोग कोई बेहतर नहीं है, सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं, तो मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे जो कोरोना योद्धा जो मीडिया कर्मी हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा से संबंधित उनके परिवार की सुरक्षा जरूर की जाए। तो देखिए, ये थे डॉक्टर विनोद जी पाठक, और इन्होंने यद्यपि महानता का परिचय देते हुए हम लोगों को भी एक कोरोना योद्धा के रूप में बताया है, ये आपकी महानता थी। देखिए, वास्तव में लॉकडाउन का समय हम कैसे पालन करना, बहुत अच्छी बात कही है, ये वास्तव प्रेरणादायक है कि इस समय अध्यात्म के क्षेत्र में हम अगर प्रवेश कर जाएंगे तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें कहीं भी हमको समस्या नहीं आएगी। लोगों को लगता है कि समय कैसे कटे, हमको बाहर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस समय हम अपने रामायण का चिंतन करें, अपने गीता को लेकर के परिवार के साथ बैठें और उस पर चिंतन मनन करें, तो संस्कार भी होंगे, परिवार संस्कारित भी होगा और हमारा समय भी सरलता से जाएगा और हमारे सेवा भाव भी हमारे अंदर प्रवेश करेगा। आज हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के साथ ओम प्रकाश उदेनिया की रिपोर्ट।